Hello everyone, in this video we will discuss about the another question based on a master theorem. Already last video में हम देख चुके हैं कि master theorem के through हम किस form में यदि question है तो solve कर सकते हैं और दो तीन examples हमने उसमें discuss किया था. Now इस video में मैं एक different types of question को solve करूंगा master theorem से. मतलब हम basically उस particular question को यहाँ पे solve करने की कोशिश करेंगे जो question master theorem के form में नहीं है, but हम उसको उस form में convert करेंगे. Then finally time complexity calculate करेंगे. So already हम देख चुके हैं कि t of n equals to at n by b plus f of n. यदि आपके पास में ये इस particular form में question है, तो you can easily solve the question using master theorem, where a should be greater equals to 1, b should be greater than 1, and f of n should be any positive function. यदि इस form में यदि आपके पास में question है, तो you can easily solve the question using master method. अब क्वेश्चन मेरे पास में क्या है? द क्वेश्चन इज टी ऑफ एन इक्वल्स टू टू टी अंडर रूट एन प्लस सी. सी इज अ एनी कांस्टेंट. सो दिस इज द क्वेश्चन. अब क्या मैं इस क्वेश्चन को मास्टर थ्योरम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मेरे पास में बेस में यहां पे कुछ भी नहीं है. बेस में बी शुड बी ग्रेटर देन वन, मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ होना चाहिए, जो कि यहां बेस में हमारे पास में कुछ भी नहीं है. सो ए है मेरे पास में, पॉजिटिव फंक्शन भी है मेरे पास में, बट बी मेरे पास में नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ एजम्पशंस के थ्रू मास्टर थ्योरम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस एज्यूम, फर्स्ट स्टेप हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम कि एन अपॉन टू टू द पावर के इक्वल्स टू वन. किसी को भी वन के इक्वल में एज्यूम हम कर सकते हैं. नाउ यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया n इक्वल्स टू 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 द पावर k. मैं ऐसे लिख सकता हूं. अब मैं आगे क्या कर रहा हूं कि यहां पर log ले रहा हूं दोनों साइड. सो टेकिंग log बोथ साइड. सो दोनों साइड यदि मैं log ले लूंगा तो ये बन जाएगा मेरा log n, और ये हो जाएगा मेरा यहां पर log टू टू द पावर k. ठीक. अब यदि हम देखिए क्वेश्चन में यदि कुछ भी गिवन नहीं है, बेस यदि गिवन नहीं है किसी भी पर्टिकुलर, लाइक यहाँ पे लॉग का बेस गिवन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलेंगे कि बेस 2 है. यदि बेस यहाँ पर 2 है तो जो भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इस वैल्यू के पावर में वो फ्रंट में आ जाता है. सो के फ्रंट में आ गया और जो लॉग 2 बेस 2 है ये आपका 1 बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है और वैल्यू सेम है तो 1 हो गया. सो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई मेरे पास में, k equals to log n. This is a assumption. याद रखिए जो भी आपने एज्यूम किया था फाइनली उसको आपको रिवर्ट करना पड़ेगा. ठीक. तो अब मैं क्या करूं, जो भी मेरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये पुट करता हूं. ठीक. सो यहां पे देखिए आप t of n. सो t of n, ठीक, तो n की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2 टू दी पावर k. सो t 2 टू दी पावर k इक्वल्स टू 2 एज इट इज t. ठीक. तो 2 एज इट इज. नाउ यहां पर अब फोकस करिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं जो अंडर रूट एन है उसको ऐसा लिख सकता हूं एन टू द पावर 1 बाय 2? यस, मैं लिख सकता हूं. ठीक. तो यहां पे क्या हो जाएगा t, ठीक, n, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, एन टू द पावर 1 बाय 2. ठीक. सो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए n की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 टू द पावर k. सो t 2 टू द पावर k, ठीक है, तो ये 2 टू द पावर k तो एज इट इज मैंने लिख दिया, और डिवाइडेड क्योंकि n की वैल्यू थी आपकी क्या, 2 टू द पावर k, तो n की जगह 2 टू द पावर k तो आ गया, बट ये डिवाइड में 2 भी बचा है, तो ये डिवाइड में 2 आपका एज इट इज यहां पे लिख देंगे हम. ठीक. और प्लस c एज इट इज. तो मैंने जस्ट क्या किया, जहां जहां n था वहां n की जगह 2 टू द पावर k से उसको रिप्लेस कर दिया. ठीक. बट स्टिल यदि आप देख पा रहे हैं तो अभी भी मेरा क्वेश्चन मास्टर थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि बेस में b नहीं आया. तो हमें एक और एजम्पशन लेना पड़ेगा टू एज्यूम, ठीक है, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस हम किस लिए कर रहे हैं, ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि बेस में भी आ जाए. तो अब हम क्या एज्यूम करेंगे, जहां जहां टी टू टू दी पावर के है वहां पे कोई एक वेरिएबल एस ऑफ के ले लें, एस ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, व्हाटएवर कुछ भी ले सकते हैं आप. मैंने एस ऑफ के ले लिया. ठीक. तो जहां भी टू टू दी पावर के है वहां एस ऑफ के आपको सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है. तो एस ऑफ के इक्वल्स टू, ठीक है, बट याद रखिए रिमेंबर वन थिंग, जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया था उस फॉर्म में रिवर्ट आपको करना पड़ेगा. तो एस ऑफ के टू
टी टू टू दी पावर के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एस ऑफ के। इस पूरे पोर्शन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एस ऑफ के। तो यहां पे आ गया एस ऑफ के, बट ये डिवाइड में जो टू था वो बाकी है अभी, तो वो टू एज इट इज आपके डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी। नाउ अब यदि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन, या ये आपको कह ले कि रिकरेंस रिलेशन अब मास्टर थ्योरम के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वेयर ए इक्वल्स टू टू, बी इक्वल्स टू टू, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू सी। ठीक है, ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ मास्टर थ्योरम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए एन टू द पावर लॉग। ठीक है, तो अब यहां पे क्योंकि के टर्म्स में क्वेश्चन चल रहा है तो मैं यहां पर एन की जगह हर जगह के लिखूंगा अभी, तो के टू दी पावर लॉग ए बेस बी। ठीक है, तो के टू दी पावर लॉग ए की वैल्यू कितनी है, टू, बेस में कितना है टू, तो ये कितना हो गया वन, तो ये आ गया आपका के। नाउ दिस इज द जी ऑफ एन, दिस इज द एफ ऑफ एन। हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन दोनों को कंपेयर करते हैं, और इसमें यदि दोनों में से जो भी ग्रेटर है वो मेरी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, या दोनों यदि इक्वल होते तो एक एक्स्ट्रा लॉग एन से मल्टीप्लाई हम करते। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन हम इस तरह से देखेंगे। नाउ सो यहां पे कौन सा ग्रेटर है, के इज ग्रेटर, के रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं यहां पे, एन, के, के इज अ एन। सो यहां पे एस ऑफ के फॉर्म में क्वेश्चन था, तो एस ऑफ के इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहां पे, एस ऑफ के की जगह रिवर्ट करूंगा जो भी मैंने एजम्पशन लिए थे, तो क्या लिया था, एस ऑफ के की जगह टी टू टू दी पावर के इक्वल्स टू थीटा के। ठीक है, एक रिवर्ट ये हो गया, बट टू टू दी पावर के को क्या एज्यूम किया था मैंने, वन, मतलब एन, एन को क्या एज्यूम किया था, टू टू दी पावर के, तो ये क्या हो गया टी ऑफ एन इक्वल्स टू थीटा के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, के की वैल्यू क्या है मेरे पास में, लॉग एन। सो के की वैल्यू क्या आ गई, लॉग एन। सो फाइनली यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इस रिकरेंस रिलेशन की, तो वो आपकी निकल के आ गई थीटा लॉग एन इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक और क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन मास्टर मैटर। थैंक यू सो मच।